मेष आज का दिन आर्थिक रूप से कुछ हानि होने की संभावना है। इस ओर से सचेत रहे, कहीं कोई गलत निवेश ना करें, किसी की बातों में न आए। धन से अधिक स्वास्थ्य की हानि परेशान कर सकती है। चिंताओं से बचें, चिंता किसी भी चीज का हल नहीं है। अपने व्यवहार में नरमी बरतें, सबसे नम्रता भरा व्यवहार रखें। अपने विचार, अपनी बातें और अपनी समृद्धि में भी अपने प्रियजनों को भागीदार बनाएं, उनसे शेयर करें। बांटने से ही खुशियां बढ़ती हैं। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आज बॉस से किसी बात पर अनबन हो सकती है। यदि कोई बात बुरी लगे या गलत लगे तो उसे कहने से झिझक ना करें। लव प्रियजनों से अपनी बात शेयर करने में झिझक ना करें, उनसे आज पूरा सहयोग मिलेगा। अपने विचारों में अड़ियल ना हो। हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई नया व्यायाम आरंभ करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। वृषाज अपने काम पर फोकस बनाए रखें। जीवन में यदि बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यही उचित समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। भेड़ चाल में ना पड़े, वह करे जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। रिश्तों में भी यदि खुश नहीं है तो अपने आप को इस बंधन में बांधने की बजाय अपने अस्तित्व के लिए कुछ करें, इससे आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में यदि अपने करियर से आप खुश नहीं हैं तो आपको जल्द ही मौका मिलेगा कुछ नया करने का, जो कि आपको खुशी, संतुष्टि और समृद्धि भी प्रदान करे। इस ओर अवश्य सोचें। लव रिश्तों में सुधार लाने का आज मौका मिलेगा, उसे जाने ना दें। प्रियजनों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं, इससे रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। हेल्थ स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, अल्टरनेटिव चिकित्सा से लाभ होगा। मिथुन आज का दिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हो जाएं, उन्हें पूरे समर्पण से निभाएं, इससे आपके जीवन में कई रुके हुए काम बन जाएंगे। कोई परेशानी चल रही है तो जल्द ही हल होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है, परीक्षा में अच्छा फल मिलेगा। अपनी मेहनत में कोई कमी ना होने दें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं जल्द ही पूर्ण होंगी। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में अटके हुए कार्य जल्द ही संपन्न होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी के चलते स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लव प्रियजनों से आज मिलने का मौका मिलेगा। अविवाहितों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी पुराने रोग से जूझ रहे हैं तो जल्द ही उसका समाधान मिलेगा। किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेने से ना कतराएं। कर्क आज आपके पास बहुत से आइडियाज हैं अपने जीवन में उन्नति के लिए, किंतु स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। नए हफ्ते की शुरुआत कुछ धीमी रहेगी। आज ऊर्जा की कमी हो सकती है। आज के दिन यात्रा कम करने का प्रयास करें। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी हो सकती है। किसी की भी सलाह मानने से पहले यह अवश्य देख लें कि वह सलाह आपके लिए कितनी कारगर है। दूसरों की राय को इतना महत्व न दें कि अपनी पहचान ही खो जाए। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना करें, आपकी बातों को गलत प्रसंग में पेश किया जा सकता है। आज अपना फोकस अपने लक्ष्य पर बनाए रखें। लव परिवार में किसी की बात को दिल पर ना लें। घर के फैसलों में किसी बाहर वाले की सलाह को बहुत महत्व ना दें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरदगर्म से बचे नहीं तो यह भविष्य में रोग का कारण बन सकता है। तनाव से बचे। सिंह आज का दिन सामान्य रहेगा। परिस्थिति अनुकूल रहेगी। पुराने किए हुए निवेश से धन लाभ के योग है। की हुई मेहनत फल लाएगी और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनाएं, किंतु इस प्रक्रिया में अपने महत्व को कम ना होने दें। दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, किंतु अपना नुकसान करके किसी और की सहायता ना करें, इससे किसी का भला नहीं होगा। मदद उसकी करें जो उसके योग्य हो। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। की हुई मेहनत रंग लाएगी, किंतु इन सब में अपने महत्व को कम ना होने दें। लव प्रियजनों के साथ सुंदर समय बिताने को मिलेगा। किसी रिश्तेदार या प्रियजन पर अपने आप को इतना न्योछावर ना करें कि वे आपका महत्व ही भूल जाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तनाव के कारण डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर या काउंसलर से मिले।
कन्या आज का दिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। भविष्य के लिए आज कोई योजना ना बनाए, नहीं तो बाद में उसमें बहुत फेरबदल करने पड़ सकते हैं। आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर ना ले, ना ही उसके कारण अपने अहम को बढ़ने दे, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे ना केवल आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उन्हें नकारने की बजाय उनसे सीख लें तो भविष्य में कई और गलतियों से बच सकते हैं। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, धैर्य से काम लें। प्रोफेशन, परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है आज, किंतु अपना संयम बनाए रखें। अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लें। लव, प्रियजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है आज, अपना स्वभाव अड़ियल ना रखें, अपने प्रियजन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। हेल्थ, आज क्लियर क्वार्ट्ज या स्फटिक क्रिस्टल धारण करने से लाभ होगा। तुला, आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, अपने आप में धीरज रखें और अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें। आज कोई भी बात सोच समझ कर ही बोले ताकि आपकी बात से अनजाने में किसी को चोट ना पहुंचे। काम काज में वृद्धि के आसार हैं, किंतु किसी भी निर्णय को लेकर अड़ियल ना हो। रिश्तों के मामले में आज किस्मत देगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता पर संदेह ना करें, आप में कोई कमी नहीं है। दास या सहकर्मियों की निंदा को अपने दिल से ना लगाएं। लव, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, अपने आप पर भी थोड़ा ध्यान दें, मन से किसी भी प्रकार के भय को मिटा दें। हेल्थ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पीठ दर्द और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो आज यह ज्यादा परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक, आज किसी बात को लेकर परेशानियों से घिरे रहेंगे। यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा हो रही हो तो किसी से सलाह करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने। आज अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें। यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो वे जल्द ही हल हो जाएंगी। असमंजस की स्थिति हो सकती है, बिना ढंग सोच विचार के कोई निर्णय ना ले। किसी एक सपर्क या काउंसलर से सलाह करें। प्रोफेशन, आज काम में मन नहीं लगेगा। करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह अवश्य ले। कोई भी निर्णय आज अपने आप ना ले, नहीं तो गलती हो सकती है। लव, प्रियजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो सकता है, परेशान होने की बजाय किसी अच्छे गुरु या काउंसलर से मिले, इससे लाभ होगा। हेल्थ, स्वास्थ्य में आज परेशानी हो सकती है, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले। सेहत संबंधी लक्षणों को अनदेखा ना करें, नहीं तो यह और बिगड़ सकते हैं। धनु, आज का दिन फलदायी रहेगा। आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू हो पाएंगे, जिस कारण आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें, उनकी ओर भी ध्यान दें। किसी परिवारजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेलजोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके अच्छे घने संबंध बनेंगे। प्रोफेशन, आज काम में आपका फोकस बहुत सुंदर बना हुआ है। बॉस और सहकर्मियों से प्रशंसा मिलेगी, किंतु सफलता के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। लव, प्रियजनों के साथ आज थोड़ा समय अवश्य बिताएं, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द ही सफलता मिलेगी। हेल्थ, स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। किसी व्यायाम आदि का नियमित रूप से पालन करें, इससे न केवल सेहत में सुधार होगा बल्कि मन में भी शांति रहेगी। मकर, आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे भविष्य में अच्छे संबंध बन सकते हैं। यदि कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आज उसकी शुरुआत करने के लिए आज अच्छा दिन है। किसी और की सलाह को इतना महत्व ना दें कि अपनी सोच से काम ना ले, अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने। प्रोफेशन, किसी और की सलाह या मंजूरी के लिए इंतजार ना करें, वह करें जो आपको उचित लगे। लव, विवाह में भी बहुत सारे लोगों से सलाह लेने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने कि क्या यह निर्णय आपके लिए उचित है या नहीं। नेल्थ, रोग से निजात के लिए अपने प्रयास करते रहें, जल्द ही सफलता मिलेगी। अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें।
कुंभ आज का दिन अच्छा रहेगा, कमी है तो केवल आपके आत्मविश्वास में। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब ना करें। इतना ज्यादा भविष्य के लिए सोचना और चिंतित रहना यह दर्शाता है कि आपको उस सर्वव्यापी ईश्वर पर भरोसा नहीं कि वह आपका सदा ख्याल रखेगा। व्यर्थ की चिंताओं के कारण मन में तनाव बढ़ेगा और काम से फोकस हटेगा। इस कारण निजी जीवन में भी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। जो हो गया उससे सीख लेकर आज में जिए। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं में आज इतना ना खो जाए कि आज की जिम्मेदारियों काम को अनदेखा कर दे। लव सहनशीलता रिश्तों को सुंदर बनाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अपनी परेशानियों के कारण अपनी कुंठा अपने परिवार जनों पर ना निकाल लें। हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचे नहीं तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मेडिटेशन और अल्टरनेटिव हीलिंग से लाभ होगा। मीन आज किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है जो आपके विचारों को काफी प्रभावित करेगा। अपने आप में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है और अपने भावों को नियंत्रण में रखने का भी प्रयास करें। यह ध्यान रखें कि आपका निर्णय और आपकी सोच नजदीकी फायदे की बजाय लंबे समय तक के फायदे की होनी चाहिए। प्रोफेशन किसी व्यर्थ की भस में ना पड़े, परिस्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। लव प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। किसी अनबन की स्थिति में गुस्से में आकर कोई निर्णय न ले। पहले बात को समझने का प्रयास करें और अपनी और अपने पार्टनर की भी जरूरतों को समझें। हेल्थ स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कोई पुराना रोग कुछ समय के लिए परेशान कर सकता है।